सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। सभी को नमस्ते। अभी हमारे साथ राजू पांचाल भैया शेयरिंग के लिए बने रहेंगे। भैया नमस्ते। जी नमस्ते दीदी। जी भैया, मैं आपका परिचय रख दूं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं JSPMs राजर्षि शाहू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग काथवड़े पुणे से, और भैया ने अपनी फर्स्ट वर्कशॉप जुलाई 2023 में की थी। और भैया ने बहुत सारी UHV2 की वर्कशॉप्स भी अटेंड किए हैं। भैया वॉलंटियर भी कर रहे हैं फेस टू फेस वर्कशॉप में, और एक्सेप्शनल कॉलिंग भी भैया करते हैं। मतलब भैया को अगर कॉल्स असाइन कर दे तो बहुत ही कम समय में, जब ये मॉर्निंग मीटिंग शुरू हो रहा था, भैया ने कॉल्स कनेक्ट किए थे और अपनी फीलिंग के साथ सभी के साथ इंटरेक्ट भी कर पा रहे थे। तो भैया आप अपनी शेयरिंग रखें इन बिंदुओं को फॉलो करके। ओवर टू यू भैया। जी, नमस्ते। ये मेरी फोर्थ शेयरिंग है। सर्वप्रथम मैं आदरणीय गणेश सर को सादर प्रणाम करता हूँ, आदरणीय रजुल सर, कुमार भैया, उमेश भैया, गोपाल बाबू भैया और आदरणीय विनय चिद्री भैया, और मेरे सर्व भाई बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे साथी प्रशांत भैया और महेश कोलते भैया, अपराजिता दीदी, यशवंत भैया, इला दीदी, इस सबको मैं और सादर प्रणाम करता हूँ। और मेरे सब जो साथी है इस जर्नी में सहभागी है, मैं इन सबको सादर प्रणाम करता हूँ। गुड मॉर्निंग। मेरा परिचय ऐसा है कि मेरा नाम राजू नामदेवराव पांचाल, मैं नांदेड़ में लिमगांव गांव का रहवासी हूँ। वहाँ पे मेरे पिताजी है, छोटा भाई है और उसकी बीवी, दो बच्चे। हम लोग पुणे में रहते हैं। मेरे मिसेज डॉक्टर जागरूजी पांचाल और मेरी बेटी आनंदी, ऐसा हमारा छोटा सा परिवार है। इस जर्नी में मैं 6 जुलाई 23 से जुड़ा हूँ। हमारे कॉलेज में ही UHV1 का वर्कशॉप हुआ था। विनय भैया हमारे लिए रिसोर्स पर्सन आए थे और उन्हीं से मैं उसी दिन से प्रेरित होके मैं इस UHV जर्नी में जुड़ा हूँ। मैं मेरे अभ्यास 1 और अभ्यास 2 में क्या क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ, जो मैं सीधा सीधा देख पा रहा हूँ। अभ्यास 1 में जो पहला स्टेप है कि हर क्षण अपने कल्पनाशीलता में मैं सीधा सीधा देख पा रहा हूँ। मैं जब भी जागता हूँ, जब भी उठता हूँ, जब भी मैं रात को नींद में भी सोता हूँ, तो मेरे कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है ये मुझे दिखाई देता है। हालांकि उसकी स्थिति बहुत फास्ट है, याद नहीं रहता कि क्या देखा है, लेकिन इतना जरूर दिखता है कि ये चित्र आए और ये सब मेरे ही कांटेक्ट में आए वाले कारणों का दिखता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं बाहर की दुनिया में देख पाता हूँ, लेकिन चित्र तो हमेशा चलते रहते हैं। ये सजगता मुझे सीधी सीधी दिख रही है। और इसके बाद जब भी मुझे कोई चित्र दिखता है या कुछ विचार आता है, तो उसके पीछे का भाव क्या है, तो हर चित्र का भाव दो ही तरह से दिखता है। एक तो विरोध का भाव दिखता है और या तो एक तो संबंध का भाव दिखता है। और विरोध का भाव मुझे अच्छा नहीं होता, इसीलिए मैं उसको तुरंत ही छोड़ देता हूँ, लेकिन संबंध का भाव को मैं और फिर से देख पाता हूँ। इसकी वजह से मुझे एक शांति या हैप्पीनेस महसूस होता है। नंबर ये भी स्टेप 2 का जो भाग है। इस क्षण आप में जो भाव है वो आपको सस्वीकार है या नहीं, यही मैंने स्टेप 1 के साथ जोड़ा है कि जो भाव मुझे विरोध का भाव होता है तो मुझे सस्वीकार या नहीं होता, इसीलिए मैं तुरंत ही छोड़ने की कोशिश करता हूँ। स्टेप अभ्यास 1 का स्टेप 3 जो है, एक क्षण आप में जो भाव विचार चल रहा है उस भाव के साथ आप आराम में हैं, संगीत में हैं या सुखी हैं।
तो इस पे मैंने बहुत जांच परख करके देखा कि संबंध का भाव ही सहस्वीकार्य होता है और उसी से मैं आराम में रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ। विरत का भाव मुझे सहस्वीकार्य नहीं होता, इसीलिए मैं अनहैप्पी स्टेट में चला जाता हूँ। इसका एक मैं सुंदर सा उदाहरण भी रख पाता हूँ कि हमारे यहाँ पे UHV2 का वर्कशॉप हुआ, जहाँ पे उमेश भैया आए थे और मेरे तरफ हमारे कॉलेज ने सबको फूड सर्विंग की जिम्मेदारी दी थी। तो मैं वो जब फूड सर्विंग का काम करता था तो मैं यही ध्यान रखता था कि ये सब मेरे संबंधी है, पूरे भारतवर्ष से सब आए हैं, तो मैं जितना अच्छा हो सके उतना मैं उनको दे दूं। कुछ बिगड़ भी जाता था तो उस दिन मुझे थोड़ा दुख होता था, लेकिन उसी क्षण मैं निर्णय लेता था कि और फिर कैसा उसको सुधारूं। उसका पहला स्टेप ऐसा था कि हम लोग हमारे कैंटीन से खाना लेके डी बिल्डिंग में जाते थे, थर्ड फ्लोर पे सर्व करते थे। तो एक दिन खाने की दिक्कत आई तो मैंने तुरंत ही इंस्टेंट डिसीजन लिया कि ये सब मैं कैंटीन में दे दूं। लेकिन कैंटीन में क्या होता था कि बच्चों का टाइम और हमारे सबका टाइम एक ही होता था, तो बहुत बड़ी दिक्कत आती थी कि खाना परोसने में। तो मैंने उमेश भैया से जाके पर्सनली बात रखी कि भैया ऐसा ऐसा है, तो क्या हम एक आधे घंटे तक पूरा टाइम स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर ये आधे घंटे तक हमारा सेशन आगे चला जाएगा तो शायद हो सकता है कि मैं सबको सर्व करूं। और उसी के साथ साथ मैंने एक ट्रायंगुलर हार्डबोर्ड से ये बनाए, टेबल पे रखने के लिए कुछ प्लेटें बनाई जिसपे लिखा था रिजर्व फॉर द गेस्ट। और ऐसे मैंने 15-20 स्टेप्स खुद ही बनाए, बोर्ड बनाए छोटे छोटे, और जब भी बच्चे आते थे तो खाना खाने के बाद उनको बोलता था कि हाथ जोड़ के विनती करता था कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए वाले हैं, क्या हम उनको अच्छी सर्विस देंगे। तो बच्चे भी मानते थे और उन्हीं के टेबल पे मैं वो ट्रायंगुलर प्लेट रखता था। ऐसे मैंने 60 लोगों के लिए पूरा कैंटीन का आधा भाग रख दिया। तो इससे मैं ये कर सकता हूँ कि कह सकता हूँ कि इस क्षण में जो मुझे भाव विचार चल रहे हैं इसका निर्णय ही मैं ले रहा हूँ, ये मुझे साफ साफ दिखाई देता है। इसके बारे में बाहर की परिस्थिति या दूसरा कोई व्यक्ति या आप स्वयं, इसकी बाहर की परिस्थिति के अकॉर्डिंगली मैं ये डिसीजन ले रहा था, ना कि कोई मुझे व्यक्ति ऐसा बोल रहा था कि आप ये करो, लेकिन मुझे जो ठीक लगता था वो मैं करते जा रहा था। और इसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि सब लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से मैं खुशी खुशी सबको फूड सर्व कर सका। स्टेप अभ्यास 1 के स्टेप 5 में इस क्षण आप में जो भाव विचार चल रहे हैं उसका निर्णय आपने किस आधार पे लिया, तो इसका मैं ये कह सकता हूँ कि परिस्थिति के अकॉर्डिंगली मैंने निर्णय लिया और मैं किसी मान्यता के आधार पे नहीं, ये मेरा निर्णय ही सही समझ के आधार पे रहा होगा और यही मुझे वहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा था। स्टेप 6 में कौन सा भाव आपको सहस्वीकार्य है, ये पहले से 6 स्टेप जब हम काम करते हैं तो मुझे यहाँ पे संबंध का भाव ही सहस्वीकार्य है, ये साफ साफ दिखाई देता है। 7वें स्टेप में जब मैं स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास करता हूँ तो 7वें स्टेप का पहला जो है सुनिश्चित करें कि इस क्षण आपका भाव संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व के अर्थ में है या ना कि अन्यथा। यह मैं 100% कहता हूँ कि मैं डेली प्रैक्टिस भी करता हूँ कि मेरा जो भी कुछ काम है ये मेरा भाव और मेरा काम संबंध के भाव से ही रहना चाहिए और व्यवस्था में भागीदारी के ही अर्थ में रहना चाहिए और मेरा सह अस्तित्व के अर्थ में ही रहना चाहिए, ये मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे देख के कोशिश करता हूँ। 7वें स्टेप में जब मैं संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को संपूर्णता को समझता हूँ तो इसमें अभी मैं बहुत ही केयरफुली सब बातों को देखता हूँ। मेरे रूम में भी मैं जहाँ पे सोता हूँ वहां पे मैंने मेरी ये अभ्यास 1 की एक प्रिंटआउट निकाल के रखी है
और डेली जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो एक बार ये सबसे नजर रखता हूँ और दिन की शुरुआत करता हूँ। अभ्यास दो के बारे में यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा कि अभ्यास दो में मैं अभी उतना ज्यादा काम नहीं कर रहा हूँ। अभ्यास दो के पहले स्टेप में मैं चैतन्य हूँ, शरीर है, यह अलग अलग वास्तविकता है। इसमें मैंने बहुत बार देखा है कि जब भी मैं सोता हूँ तो हमारे मुझ में एक ही क्षमता दिखती है। मेरे साथ तो बहुत सारा शरीर के साथ होता है, लेकिन जिसकी संवेदना सबसे ज्यादा है उसको मैं पहले पढ़ लेता हूँ। जैसे कि अगर समझ लीजिए कि मुझे कोई मच्छर काट रहा है, तो मेरे में संवेदना तो बहुत सारी है, मेरे शरीर में बहुत सारी संवेदना दिखती है, लेकिन मेरा ध्यान केवल ही केवल वो मच्छर की तरफ जाता है। अगर मैं नींद में भी हूँ, मच्छर काटता है, तो दूसरी तो संवेदना है, लेकिन मुझे तुरंत ही इंस्टेंट वो संवेदना समझ में आती है, दिखती है, और मैं वहीं पे मेरा हाथ चला जाता है। मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर सकता हूँ। शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं लेता हूँ। ये स्टेप में मैं अभी और काम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो दो ही स्टेप को बहुत ही क्लैरिटी के साथ देखने में जुड़ा हूँ। तो इसके साथ साथ शायद हो सकता है कि मैं उसको क्या संकेत देना है क्या नहीं, ये समझता हूँ। अभी तो सब क्रियाएं सहज रूप से चल रही है, तो इसको मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, अगर मुझे कॉलेज जाना है तो सुबह रेडी होना है, ये होना है, तो ये तो सहज क्रियाएं है, लेकिन मैं ध्यान से ये नहीं कह सकता कि मैं यही करना चाहूंगा। चौथा अभ्यास दो के चौथे स्टेप में मैं संवेदना से अलग होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाता हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। इस पे मैं रोज कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे, देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे शरीर से अलग हूँ। तो इसका भी मैं अभ्यास जरूर कर रहा हूँ, डेली कर रहा हूँ। बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंचता है, उसे मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ, उसे अर्थ देता हूँ, उससे प्रभावित होता हूँ, नहीं होता हूँ, प्रतिक्रिया या जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ। तो ये अभी तक तो मेरे अभ्यास दो में चौथे स्टेप तक ही आया हूँ, ऐसा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे शिफ्ट भी आए हैं, आगे के स्टेप्स में मैं अभी और ध्यान से देखूंगा। यही मेरे तरफ से अभ्यास एक और दो की शुरुआत है। मैं जरूर चाहूंगा कि मैं शुद्ध दृष्टा की तरफ जाऊं, और मैं ज्यादा से ज्यादा उसी के पथ पे चलने का प्रयास भी कर रहा हूं। भागीदारी में मैं जितना भी होता है वो मैं करता हूँ। सुबह की मीटिंग भी 5:30 बजे की, हालांकि कभी थक गया तो मैं शारीरिक श्रम ज्यादा करता हूँ, कॉलेज में भी शारीरिक श्रम ज्यादा करता हूँ, और भागदौड़ तो होती है। मैं देहूगांव में रहता हूँ तो कॉलेज 20-22 किलोमीटर है, और कॉलेज में मोटरसाइकिल पे जाना आना तो ये थोड़ा होता है। तो शाम में देरी से सोने के कारण सुबह 5:30 का सेशन 5:30 बजे तो नहीं होता, लेकिन 5:30-6 या जरूर 6:30-5 बजे ऐसा होता ही है। शनिवार की मीटिंग भी अटेंड करता हूँ, रविवार की मीटिंग भी अटेंड करता हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर गणेश सर के, आदरणीय गणेश सर का मीटिंग एक भी मिस नहीं करना चाहता, और ज्यादा से ज्यादा अटेंड करने की कोशिश करता हूँ। तो यही मेरे शेयरिंग है। भागीदारी में तो मैं सजेगी रहता हूँ, जो भी भागीदारी मिलती है मैं खुशी खुशी लेता हूँ। मैंने अभी तक बहुत सारे कॉलेज में भी, मैंने मेरे रास्ते भी ढूंढ लिए कि भागीदारी कैसे करूँ, जिस पे ध्यान नहीं जाता है उसी पे मैं ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। जी यही मेरे तरफ से, सबको मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पे मैं मेरी शेयरिंग समाप्त करता हूँ। जी जी नमस्ते सभी को। अभी हम शर्मिला दीदी को आमंत्रित करते हैं। दीदी, आप भैया की शेयरिंग को लेकर अपने कमेंट्स रखेंगे प्लीज। जी जी नमस्ते शर्मिला दीदी दीदी, नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते राजू जी, बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। कमेंट्स भी आपको मतलब
और उन्हें भी कहा ही है ये बातें। मुझे भी लगा कि बहुत ईमानदारी से और बहुत सिंसियरली आप अपने अंदर काम कर रहे हैं, और उसका आपको ना फलस्वरूप अपने अंदर जो महसूस कर रहे हैं वो भी आप रख पाए। तो आज की शेयरिंग्स में मुझे यही लगा कि बहुत सिंसियर और ईमानदारी से अपने अंदर देख के जो जैसा दिख रहा है वैसी बात हुई, और मुझे लगता है यही एक प्रोसेस से अगर हम चलते जाएंगे तो आगे आगे और अपनी क्लैरिटी बनेगी और सूक्ष्मता से हम चीज़ों को देख पाएंगे। तो आगे की जर्नी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और अभी तक के लिए भी जितना कर पाए उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जी दीदी, जी जी धन्यवाद दीदी, थैंक यू दीदी।